मर्दों से पंगा मत लेना। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? पता नहीं मेरे जिस्म में करंट कैसे लग गया। करंट नहीं, ये तो प्यार की शुरुआत है। ये हमारे साहब हैं। ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या तुम्हारे साहब के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो किसी से प्यार से बात कर सके? इनके पास प्यार करने का टाइम नहीं है। भाई ये इंस्पेक्टर मुझे मारा। क्यों रे, तुमने मेरे आदमी को क्यों मारा? ये लोग दशहरा के नाम पे हत्या उसे कर रहे थे। तो क्या हुआ भाई? सरकार तुम लोगों को तो हर महीने तनख्वाह देती है, हम लोगों को कौन देगा? और भाई तुम लोग भी तो हफ्ता लेते हो हमसे। हमारे पुलिस स्टेशन में कोई रिश्वत नहीं लेता। क्या बात करते हो भाई, देखो तुम लोग भी हमारी तरह ही गांव से आए हुए हो, तुम भी जियो और हम लोगों को भी जीने दो। कितनी बार तुम लोगों को समझाया है हमारे आदमियों पर हाथ नहीं उठाने का, वरना अच्छा नहीं होगा। हंगामा मत करो, चुपचाप यहां चले जाओ। हम लोग हंगामा करते क्या? चुपचाप यहां चले जाओ। हंगामा तो तू कर रहा है। क्या रे, पुलिस स्टेशन में गुंडे? दादा हो, गुंडे हो? क्या रे, दाढ़ी बढ़ा के अपने आप को गुंडा समझता है? क्या रे, तू क्या देख रहा है? पुलिस स्टेशन आएगा, धमकी देगा तू? जो भी है मुझे लेकर जाएगा। नहीं नहीं साहब, नहीं साहब, साहब साहब गलती हो गई साहब। अरे साहब, नहीं साहब, पुलिस स्टेशन में घुसेगा। माफ कर दो साहब, साहब स्टेशन में माफ कर दो। दादागिरी करेगा तू? दादागिरी करेगा? बाप का राज है सर। साहब साहब, क्या रखा तुम लोगों ने? साहब गलती हो गई साहब, गुंडे हो साहब, कुछ भी करोगे साहब? नहीं साहब, साहब साहब मेरे थाने में घुसेगा तू? तुम्हारे जैसे लोगों के कारण लोग पुलिस की कदर नहीं करते, अब समझ गए तुम्हें? रुको, इंस्पेक्टर भरत। हाँ भरत बोल रहा हूँ, मिनिस्टर साहब से बात करो। भरत है? हेलो भरत। सर भरत सर तो बाहर गए, आपको कुछ काम था? भरत बाहर गया है। भरत तो था सर। हेलो भरत। कहाँ ना भरत, बोल रहा हूँ, बोलो। मिनिस्टर साहब से बात करो। लीजिए सर। हेलो भरत। सर मैंने कहा ना भरत सर बाहर गए हैं, आपको काम क्या है? भरत बाहर गया है, ऐसे कैसे हो सकता है सर? हेलो भरत। हाँ भरत ही बोल रहा हूँ, बोलो। मिनिस्टर वहाँ आ रहे। आने दो। क्यों बे, मिनिस्टर साहब को आने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट साहब। 20 मिनट तक इनकी नॉन स्टॉप पिटाई करो। चलो साहब, साहब मेरी बात सुनो साहब, साहब साहब ऐसा मत करो साहब। कैसे आने, बैठो। कुछ पियोगी? हाँ नहीं, कॉफी कोल्ड ड्रिंक? कुछ नहीं, बात करनी थी। क्या बात करनी है? वो ऐसे कि क्या मुझसे प्यार हो गया? हाँ प्यार हो गया ना मुझसे? हाँ वैसे ही कुछ। वाह क्या बात है, 4-5 गुंडों की पिटाई कर दी और तुम हीरो समझकर मुझसे प्यार करने लगी। मगर मैं 4-5 गुंडों को मारकर हीरो नहीं बन गया, ये मेरी ड्यूटी है समझी? और तुम फालतू बातों में ध्यान देना बंद करो और पढ़ाई में अपना मन लगाओ और घर वालों की मर्जी से शादी करो। गुड मॉर्निंग सर। भरत तुम्हारा ही नाम है? हाँ सर। आपने तकलीफ क्यों की, मुझे बुला लेते मैं आ जाता। आई एम सॉरी सर, मेरे आदमियों को पता नहीं था, वो सब आपके आदमी है, मुझे पता चला तो मैंने भेज दिया। वो लोग यहाँ से चले गए? हाँ सर, मैंने आते ही उनको भेज दिया था। ठीक है, तेरे मिनिस्टर को मैंने टोपी पहना दी साले। हाँ बोलो। क्या बोलूं, कुछ समझ में ही नहीं आता। देखो जब कोई लड़की अच्छा काम करती है तो उसके घर वालों का भी नाम होता है, और जब कोई लड़की गलत रास्ते पर निकल पड़ती है तो घर वाले भी बदनाम होते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, मैं यही चाहता हूँ। अब जाओ। तुमने ऐसी बातें करके मुझे इंप्रेस कर दिया मेरी जान, चलती हूँ। अरे छोड़िए इन बातों को, पेपर वाले तो कुछ भी लिखते हैं, ये सब बातें तो होती ही रहती हैं। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। वेंकट मुझे बहुत मारा भाई, मुझे बहुत मारा उसने, मार के कचू में निकाल दिया। भरत भरत तुमने मेरे आदमियों को क्यों मारा? सॉरी सर, मेरे आदमियों ने एक्स्ट्रा पिटाई कर दी, सॉरी। ठीक है, सॉरी इसको बोलो। ओके सर, फोन दीजिए उसे। हेलो। क्या रे, तेरे को सॉरी बोलूं? अबे सॉरी तो बोल दूंगा, लेकिन सॉरी बोला तो दोपहर में तेरे घर मार आकर फिर मारूंगा, रात को आकर फिर मारूंगा और फिर सॉरी बोलूंगा। बोल, बोलो सॉरी। ठीक है साहब, ठीक है, सॉरी बोल रहे मुझे, लेकिन सचमुच बहुत मारा भाई। सर हमारे आदमियों को मारकर वो हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हैं। जानता हूँ, मगर हमारे आदमी
गलती करेंगे तो भुगतना ही पड़ेगा, और ज्यादा करेंगे तो हमें भी भुगतना पड़ सकता है। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा सर। वैसे काफी बहादुर और टैलेंटेड है, नौकरी छोड़कर हमारे साथ आ जाए ज्यादा अच्छा होगा। भरत, मेरी बेटी ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया कि ये तुमसे आंखों ही आंखों में प्यार करने लग गई? तुम्हें मेरी बात को मानना होगा, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। सर, आप जो कह रहे हैं उसे पूरा करना मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरी शादी का सवाल है, और आप मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मुझ जैसे गुस्से वाले इंसान से शादी करके आपकी बेटी को क्या मिलेगा? मैं एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हूं, अगर मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली तो लोग कहेंगे कि मैंने ये शादी अपने प्रमोशन के लिए की है। चलता हूं। भरत, देखो ये ऐसिर है, इसे मैं तुम्हारे नहीं अपने ऊपर डालूंगी। मुझे जो हाथ छुएगा वो हाथ तुम्हारा होना चाहिए, जो होंठ मेरे होंठों को चुमेंगे वो होंठ तुम्हारे होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ऐसिर मैं अपने चेहरे पे डालूंगी। तुम मेरे हाथ से शिशु को तोड़ सकते हो, मगर मैंने अपने दिल में जो प्यार बसा लिया है उसे नहीं तोड़ सकती तुम। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें भी करना होगा। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ जो बटन दबाते ही प्यार करने लगूंगा। तो करो, प्यार करने के लिए टाइम चाहिए। ओके, अब तुम प्यार करोगे, सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। डोंट वरी, शी इज ओके, थोड़ी लो बीपी है, वो ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, कंट्रोल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है जी। अच्छा जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। बेटी, तुम आराम करो, खाना मैं बना लूंगा। नहीं, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक है, मैं बना लूंगी। आपने दादाजी से बात की? हाँ बेटी, मैंने बात की, उधर इलेक्शन का लफड़ा चल रहा है और इस समय हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, ऐसा दादाजी ने कहा। पता नहीं कब हम वहाँ जाएंगे। हम जरूर जाएंगे, वो दिन भी आएगा। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो भाई। हमारे एरिया में एक नया एसपी आया है, वो बहुत ही कड़क है, धमकी दे रहा है, इलेक्शन सर पे है, क्या करूँ मैं? भाई आपको जो करना है करो, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है, रखता हूँ। अपने आदमी को भेज देना। हाँ ठीक है। सर, कहाँ हुआ है आपका ट्रांसफर?
माफ करना साहब, 22 साल से मैं जेल में हूं, लेकिन आज तक मैंने कोई लफड़ा नहीं किया। मगर आज जब ये लोग आपको गाली दे रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझे माफ कर दीजिएगा। केशव साहब, 22 साल से आप इस जेल में क्यों हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपकी सजा क्यों बढ़ाई जा रही ये भी समझ में नहीं आ रहा, और आपको रिलीफ का ऑर्डर कब आएगा पता नहीं। आप इस जेल से छूटकर जाएंगे भी या नहीं? नहीं, मैं इस जेल में नहीं मरूंगा। और बेशक इंसान हवा पानी और खाने पर जिंदा रहता हो, पर मैं जिंदा हूं बदले की भावना पे। मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं उसी गांव में मरूंगा, और मेरे सीने में जिस आदमी के लिए बदले की आग चल रही है मैं उसे बुझा कर ही रहूंगा। इकबाल हुसैन, विक्रम सिंह, नारायण सेठ, शंकर यादव, मिंटो सिन्हा, यशवंत, ओमी शर्मा, विलियम, राजेश, रतन मयाल, कृपाल सिंह, माइकल जाम। इसका वजन काफी बड़ा हुआ लगता है। अभी कम होने लगा है सर। यह है बलवंत राणा, यह है सोनू पाहुजा, चंद्रकांत केशव रेड्डी। क्या क्या कहा? चंद्रकांत केशव। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं आप बताइए। 22 सालों से मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। 22 साल? ओ माय गॉड।